नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। और साथियों, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर जो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करें जो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है उसके बारे में कि हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। तो साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के एग्जाम, जिनके फाइनल ईयर के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके जो एग्जाम फाइनल सेमेस्टर के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो तो आपके ऑब्जेक्टिव होने ही है। और जिनके एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होते थे तो वो उनके सब्जेक्टिव ही होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेपर प्रिंट हो चुके हैं और आपके जो पेपर प्रिंट हुए हैं वो 3 घंटे के हिसाब से प्रिंट हुए हैं, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन अब जो समय कर दिया गया है वो कर दिया गया है 1.5 घंटे, तो उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन की छूट दी जाएगी, यानी कि उसमें 50% क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। तो वो जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको कितने परसेंट क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो 50% क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पेपर ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। तो आपके जो क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है वो आपका वही रहने वाला है आपका जो पहले था। दूसरा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे जो पेपर है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो साथियों, बिल्कुल क्लियर है, जो आपके एग्जाम है वो आपके ऑफलाइन ही होने हैं, ऑनलाइन आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। दूसरा, जो आपके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इस बार नहीं होंगे, प्रैक्टिकल के जो नंबर होंगे वो भी आपके जो लिखित परीक्षाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। दूसरा है आपका जो मौखिक परीक्षाएं हैं, यानी कि जो वाइवा होगा, वाइवा आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन वाइवा नहीं होगा। तो साथियों, ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों का कि जो हमारा पेपर का फॉर्मेट है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो बिल्कुल क्लियर है, जिस तरीके से पहले होते थे, जैसे फाइनल ईयर के कुछ कोर्सेज मैंने जैसे कि आपको बताया उनके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होंगे, और जिनका सब्जेक्टिव होता है तो उनके पेपर जो है सब्जेक्टिव ही होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होंगे। दूसरा है, बच्चों के बीच में भ्रम बना हुआ है कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर प्रमोट होगा नहीं होगा, फोर्थ सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं होगा, फिर चाहे वो कोई भी कोर्स है, ग्रेजुएशन में बीबीए है, बीसीए है, बीए एलएलबी है, तो उनमें भी एक भ्रम बना हुआ है कि हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। देखिए, आप बिल्कुल प्रमोट होंगे, लेकिन अभी जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी 15 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि एक मीटिंग होनी है 14 तारीख को, और उसके बाद में जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो जो फाइनल सेमेस्टर के ही एग्जाम होने हैं सेमेस्टर मोड में, और जो आपका एनुअल कोर्स है उसमें आपके सेकेंड ईयर और आपके फाइनल ईयर, यानी कि दोनों के एग्जाम होने हैं। तो आपके सेमेस्टर मोड में जो आपके एग्जाम है सेमेस्टर मोड वाले बच्चों के, उनके सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर को भी प्रमोट किया जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिस भी 14 या 15 तारीख में जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही कोई अपडेट होगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। दूसरा, साथियों, यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमएड, एलएलएम या बीपीएड या एमपीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है 15 जो आपका जून है उससे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। 15 जून से आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 10 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। 10 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यदि आपको भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में या उससे जुड़े हुए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। इन कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन क्वेरी थे उनका आंसर कर दिया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।